आज का जो वीडियो है DIY, ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत ही दोस्तों बढ़िया है। मैंने 4 बनाने लिए छोटे वाले, इसको कट करके मैं मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लूंगी। आपको एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद में मैं ले रही हूँ 1-2 चम्मच बनाना, उसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हनी। हनी डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है पहले, उसके बाद में हम इसको लगा के छोड़ देना है, थोड़ी हल्की सी मसाज करनी है, फिर रहने देना है। अब दूसरा स्टेप है, हमें इस पेस्ट को अपने बालों में ही लगाना है, क्योंकि दोस्तों जो बनाना, मेरे बाल बहुत फ्रिजी है, रहे रफ है और घुंघराले भी है, और इसके लिए मैं हफ्ते में या कभी 15 दिन ही लग जाते हैं ये मास्क जरूर लगाती हूँ। इससे हमारी जो बाल है ना, इसमें सॉफ्टनेस भी आती है और शाइन भी होती है और ग्रोथ भी होती है। और मुझे लगता है कि हेयर पैक आप कोई भी मार्केट से खरीदोगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना इसको लगाने से मिलेगा। तो मैं ले रही हूँ बाकी का पूरा कटोरी में, और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नारियल तेल। आप चाहो आपके घर में जो तेल अवेलेबल है इसमें मिक्स कर सकती हो ना, बालों में गंदगी या तेल नहीं हो, बाल धोए हो ना उसी दिन आपको ये लगाना है। 1-2 दिन पहले बाल धो रखे तो आप लगा सकते हो। मैंने कल ही बाल धोए थे तो इसलिए मैं अभी लगा रही हूँ। पूरे बालों में अच्छे से साइड में से लेके पूरे बालों में लगाना है, और बालों की जड़ों में भी लगाना है। इससे हमारे बाल जो हेयर फॉल होता है ना वो भी कम हो जाता है, स्ट्रेट भी होते हैं, क्योंकि आप एक मशीन से स्ट्रेट करोगे ना बाल डैमेज भी हो गए और झड़ेंगे भी, लेकिन इससे आपके बाल झड़ेंगे नहीं, डैमेज भी नहीं होंगे। तो मैं सीधा ऐसे ही लगा लेती हूँ बालों में। उसके बाद मैं आपको कम से कम 1 या 2 घंटे बालों में लगा के रखना है इसको। बाद में बाल आप अपने जो भी आपका फेवरेट शैम्पू है या मुल्तानी मिट्टी से आप बाल धो लीजिए, और जब बाल धोगे तो थोड़े बहुत जो बनाना है ना बालों में चिपक सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। जब आप बाल धो के सूख जाएंगे, जब आप कंघी करोगे, गीले बालों में तो बिल्कुल नहीं करनी है, जब आप कंघी करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके बालों में कहीं बनाना का मास्क है जहीं चिपक गया है तो वो उतर जाएगा। और जो हमने चेहरे पे लगाया उसका क्या, वो तो आप 10-15 मिनट या 20 मिनट रखने के बाद में चेहरा धो लीजिए, उसके बाद गुलाब जल या कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइज क्रीम है वो आप लगा लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, सच बोलूँ ना तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ बिना पैसे खर्च किए, आप घर में ही, इसे हमारा निखार है ना, स्किन भी ग्लोइंग होती है, काज जैसी स्किन चमकती है। आप एक बार ट्राई जरूर करना। और काफ़ी लेडीज़ में प्रॉब्लम होती है कि स्किन में टाइटनेस नहीं है, मतलब एक दो था ना ढीली लूज ऐसी हो जाती स्किन, वो बिल्कुल नहीं रहेगी। और अभी मेरी स्किन पर कोई मैं मेकअप वैसे भी नहीं करती, बिना मेकअप भी देखो, मैंने ये कल ही लगाया, दिख रही है ना बहुत ज़्यादा स्किन में साइन आ गई, एकदम ऐसे लग रहा है काज की तरह चमक रही है। और बाल भी देखो, बाल मेरे स्ट्रेट नहीं है लेकिन हाँ बालों में एकदम चमक दिख रही है ना, ये सब बनाना का ही कमाल है। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर लेके आऊँगी। बाय।